हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट सिखाऊंगी, जो क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज करते हुए आप इसका स्क्वायर रूट करना का तरीका दिखाइए। तो पहले हम इस नंबर को डिवीजन के साइन के अंडर लिख लेते हैं, 3, 2, 4, 9। जैसे मैंने अपने पहली वीडियो में भी बताया है, हमारा पहला स्टेप हमेशा पेयर बनाना होता है। पेयर कैसे? यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट, दो डिजिट को एक मानेंगे, ऐसे ही दूसरा पेयर बनाएंगे। जितने बनते जाएंगे उतने पेयर बनाते जाएंगे। स्टेप टू, अब जब हमें डिवीजन स्टार्ट करनी है तो हमें उसके लिए डिवाइजर चाहिए। डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर वो डिजिट होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर 32 से कम हो। तो आइए ढूंढते हैं वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर जस्ट 32 से कम हो। 5 स्क्वायर अगर हम देखें तो 25 होता है। पक्का करने के लिए 6 स्क्वायर भी देख लेते हैं, 36 होता है, वो एक्सीड कर जाता है 32 को। तो हमारा नंबर डिवाइजर का क्या हो? 5 हो। तो 5 यहां लिखेंगे, 5 ही क्वोशेंट में लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके 25 प्रोडक्ट लिख देंगे। और फिर जैसे हम डिवीजन में भी माइनस करते हैं, यहां भी माइनस कर देंगे। अब अगर मैं 32 को 25 से माइनस करती हूं तो मेरा नंबर आता है 7। अब चलते हैं हम तीसरे स्टेप पे। हमें चाहिए अपना न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड कैसे आएगा? जो नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर है उसको आप नीचे पुल डाउन कर लीजिए, आप नीचे उतार लीजिए उस नंबर को। तो 749 हो गया आपका नया डिविडेंड। अब अगर नया डिविडेंड है तो उसके लिए नया डिवाइजर भी चाहिए। नया डिवाइजर कैसे आएगा? इट इज ऑलवेज डबल ऑफ द क्वोशेंट। ये चीज बच्चों आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, डबल ऑफ द क्वोशेंट। तो क्वोशेंट जैसे 5 है तो 5 का डबल, 5 into 2, 10। 10 आ गया डिवाइजर में, बट 10 डिवाइजर नहीं है, उसके आगे एक नंबर लगाना है। तो जैसे आप 10 लिखें उसके आगे एक डैश लगा दीजिए यूनिट डिजिट लिखने के लिए, क्योंकि उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और वही नंबर क्वोशेंट में भी आएगा। अब स्टेप 5 में हमें नंबर ढूंढना है कि कौन सा नंबर डालें। यहाँ पे 101 into 1 लिख दें, 102 into 2 लिख दें, 103 into 3 लिख दें, 104 into 4 लिख दें। अब यहाँ पे आपके 0 से लेके 9 डिजिट कोई भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका मल्टीप्लिकेशन 749 आ जाए। अब क्योंकि नंबर ऑड है तो उसके रूट में भी ऑड ही नंबर आएगा, तो इसके अंदर से जो भी इवन नंबर है वो तो यहाँ पे काम ही नहीं देंगे ना। जैसे अगर मैंने 102 into 2 लिखा तो यूनिट डिजिट 4 आ गया, काम नहीं करेगा। 4 लिखूंगी तो यूनिट डिजिट 6 आ गया, 6 लिखूंगी तो यूनिट डिजिट फिर 6 आ गया, 8 लिखूंगी तो यूनिट डिजिट 4 आ गया। तो क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है तो इवन नंबर यहाँ काम ही नहीं देंगे। तो उस 5 नंबर तो आपके वैसे ही कम हो गए, 9-10 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स तो आपके कम हो गए। अब बाकी बचे 5 डिजिट्स के लिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन रीडिंग कर सकते हैं, और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन रीडिंग और टेबल रीडिंग कुछ भी कह सकते हैं इसके अंदर। तो मैं 10 की टेबल, 10 को 74 के अप्रोक्सीमेटली उसकी टेबल पढ़ लूंगी, 10 के मल्टीपल्स पढ़ूंगी जो 74 के आसपास आते हैं। तो बड़ा साफ दिख रहा है कि 10 7 70 होता है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर मैं नंबर 7 चेक करूं तो मल्टीप्लिकेशन बैठ जाए। अब
7 7s are 49. जब आपका यूनिट डिजिट मिल जाए तभी आप मल्टीप्लिकेशन आगे करें, नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। जैसे तो अब ये 107 × 7, 7 7s are 49, अब ये 0 हो गया, ये 4 आ गया और ये बिल्कुल मैच कर गया। तो हमारा अप्रोक्सीमेट टेबल रीडिंग से हमें बहुत फायदा हुआ कि हमें डायरेक्टली नंबर पता चल गया, जो हमारा टाइम भी सेव करता है। तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद 749 आ गया और माइनस करके 0 आ गया। तो हमने देखा कि 3249 का रूट अगर हम निकालें तो वह 57 आता है। ऑड नंबर है, उसका रूट भी ऑड आ गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट करना सिखाऊंगी। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो। ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test, and concept notes made by the teachers of leading schools in India.